छत्तीसगढ़ में लोक सेवा आयोग द्वारा आज 5 दिसंबर को सहायक वन रक्षक और वन क्षेत्र के कुल 178 पदों की भर्ती के लिए परीक्षा संपन्न हुआ। परीक्षा के आयोजन के लिए राज्य के 17 अलग अलग जिलों में परीक्षा केंद्र बनाया गया था। फॉरेस्ट्री के अलावा इंजीनियरिंग और अन्य स्ट्रीम के अभ्यर्थी भी इस परीक्षा में शामिल हुए। इस बात को लेकर फॉरेस्ट्री के विद्यार्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका भी लगाया है, जिससे परीक्षा परिणाम में हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है और लोक सेवा आयोग से जवाब भी मांगा है। मेरा नाम स्नेह है। मैंने दोनों पेपर दिए। पेपर वन जो ज़्यादा इसलिए आया था छत्तीसगढ़ एंड ये वाला पार्ट, क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ था, तो एग्रीकल्चर नॉलेज वाला पार्ट थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। जो ऐसा पेपर टू डिफिकल्ट, डेढ़ साल के मेहनत के हिसाब से जो देखा जाए तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आए थे इस बात में ना। पेपर वन की बात करें तो जो मैथ्स वाला जो पार्ट था वो काफ़ी लेंदी था, समय के हिसाब से देखें तो 2.5 घंटा काफ़ी कम पड़ा था। और ये पेपर टू के हिसाब से देखें तो पेपर टू में जो अपना कृषि वाला जो पार्ट है और जो फॉरेस्ट्री वाला, ये एक टेक्निकल पर्सन के हिसाब से तो काफ़ी लेंदी था।